इस बार की नवरात्रि का ये महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है, क्योंकि इस बार माँ दुर्गा घोड़े की सवारी पर सवार होकर आई है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन दीपक में ये एक चीज ढालकर जला देते हैं, तो आपके सभी दुख तकलीफों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और माँ दुर्गा आपके घर में वास करने आती है। आखिर मिट्टी के दीपक से जुड़ा कौन सा है वह उपाय जो कि इतना असरदार और प्रभावशाली है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना न भूले। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 9 अप्रैल दिन को शुरू होकर इसका समापन 17 अप्रैल को होगा। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा की सच्चे मन से आराधना और पूर्ण विश्वास के साथ उपाय किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही इन 9 दिनों में इन छोटी छोटी सूचनाओं का ख्याल रखोगे तो सकारात्मक भाव से शुभ फलों में वृद्धि होगी। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों तक घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के चरण अंदर की तरफ आते हुए बनाएं। धन आगमन में निरंतरता आती है। नौकरी व्यवसाय में तरक्की के लिए नवरात्रि के दौरान अपने कार्यस्थल के द्वार पर एक बर्तन में पानी भरकर उसमें लाल और पीले फूल डालकर पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। उन्नति के नए द्वार खुल जाएंगे। अविवाहित लोग जल्द विवाह के लिए रोजाना अर्गला स्तोत्र और कीलकम का पाठ करके देवी मां को कमल के फूल चढ़ाकर हलवे का भोग लगाए। मनपसंद जीवन साथी का जल्द ही आपके जीवन में प्रवेश हो जाएगा। अगर ग्रह कलेश के कारण आप तंग हो गए हो तो नवरात्रि के 9 दिनों में लगातार पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी के नामावली का पाठ करें। इससे सकारात्मक बढ़ने लगेगी, ग्रह क्लेश खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको बताते हैं शास्त्रों में वर्णित नवरात्रि पर किया जाने वाला एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही प्रभावशाली उपाय। दोस्तों, इस विशेष सटीक उपाय से देवी माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है, असीम कृपा बरसाती है। माँ की कृपा से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं, सभी कष्ट दुख दरिद्रता नष्ट हो जाते हैं, धन धान्य से जातक की झोली भर जाती है। दोस्तों, यह उपाय आप नवरात्रि में सुबह शाम किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन निर्मल मन से, स्वच्छ तन से और पवित्र भावना से ही इसे करें। तो उपाय करने से पहले स्नान आदि से सूचिरभूत होकर धुल्ले वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, अशुभ रंग के वस्त्र पहनकर यह उपाय और पूजा पाठ ना करें। नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिनों तक काले कपड़े बिल्कुल ना पहने, इन्हें अशुभ माना जाता है। पूजन अनुष्ठान करते समय सदैव नारंगी, लाल, पीले, हरे, गुलाबी ऐसे शुभ रंग के वस्त्र ही धारण करें। अगर आप शाम के समय यह उपाय कर रहे हैं और स्नान तो आपने सुबह किया ही है, तो कम से कम शाम को मुंह हाथ धोकर धुले वस्त्र पहनकर यह उपाय करें। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक दीपक। आप मिट्टी का, आटे का या पीतल का कोई भी दीपक ले सकते हैं। अगर मिट्टी का दिया लिया है तो उसे अच्छी तरह से पानी से धोकर साफ करके सुखाले आटे का दिया ले रहे हैं तो आप शुद्ध जल से बिना नमक के आटा गूंदे, फिर एक थाली में थोड़े से साबुत चावल रखें और उनके ऊपर आप इस दिए को रखें। दिए में घी डाल दें। अगर घी उपलब्ध न हो तो तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सरसों के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, अगर घी का दीपक जलते हैं तो उसे देवी के दाहिने हाथ यानी अपने बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए और तिल के तेल का दीपक हो तो देवी मां के बाएं हाथ यानी आपके दाहिने हाथ की ओर होना चाहिए। फिर इस दिए में रुई की बाती लगाए, बाती खड़ी लगाए, लेटी हुई बाती ना हो। अब थाली सहित दीपक देवी मां के सामने रख दे। नवरात्रि पर आपने अगर अलग से किसी चौकी पर मां की मूर्ति की स्थापना की है तो चौकी पर ही इस दिए को रख दे, अन्यथा अपने मंदिर में मां के सामने इस दिए को रख दें और जलाए देवी मां को कुमकुम से तिलक करें, फल मिष्ठान का भोग लगाए। कुछ ना हो तो आप शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। पंचोपचार पूजन के बाद मां दुर्गा को दंडवत प्रणाम करें, फिर एक सबूत लौंग लें। यह लुग अखंड होनी चाहिए जिसमें फूल लगा हुआ हो।
टूटी हुई लौंग का इस्तेमाल पूजन में नहीं किया जाता। लौंग को देवी माँ के चरणों में रखें और माता रानी को अपने सभी कष्ट परेशानियां बताएं और उनके निवारण हेतु प्रार्थना करें। आपकी हर समस्या माता रानी के सामने कहें, मुक्ति दिलाने की विनती करें। अब आप उस लौंग को माँ के चरणों से उठाकर उस दीपक में ढाल दें, फिर देवी माँ को नमस्कार कर इस निवारण मंत्र का एक माला जाप करें। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों को जागृत करने के लिए माँ दुर्गा के निवारण मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र है ओमे ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, फिर आप देवी की आरती करें। अब आरती करते समय आपको इस दीपक से माँ की आरती उतारनी है। जिस थाली में आपने दीपक रखा है उस थाली सहित दीपक को उठाकर आप माँ की आरती उतारें। आरती के बाद मन ही मन फिर एक बार माँ से अपने दुख कष्ट निवारण की प्रार्थना करें। दीपक में जैसी बाती जलती जाएगी, बाती के साथ ही लौंग भी जलती जाएगी और जैसे जैसे यह लौंग जलती जाएगी, माँ की कृपा से आपके जीवन में आ रही कठिनाइयां परेशानियां उस लौंग के साथ ही जलती चली जाएगी। और अगर दीपक की बाती पूरी जल जाए और लौंग थोड़ी बच जाए, पूरी न जल पाए, तो आप उस पर थोड़ा कपूर ढालकर उसे जला दीजिए और जो दीपक की बाती और लौंग की राख होगी उसे पानी में मिलाकर किसी पेड़ पौधे की जड़ में ढाल दे, या फिर जो भी सामग्री जल में विसर्जित करने के लिए रखी होगी उसके साथ ही इसे जल में प्रवाहित कर दे। दोस्तों, नवरात्रि में सुबह शाम माता रानी के आगे दीपक जलाकर पूजन किया ही जाता है, तो इस उपाय को करने के लिए अलग से दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। पूजा के दौरान जो दीपक जलाया है आप उसी में ही लौंग ढालकर यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अखंड ज्योत के दीपक से आप यह उपाय न करें, वह 9 दिनों तक अखंड जलते रहना चाहिए। अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक होता है। दोस्तों, अब माँ को आपने जो भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें हो सके तो इस उपाय को आप नवरात्रि में हर दिन करें, और अगर ऐसा संभव न हो तो कम से कम नवरात्रि की महासप्तमी, महाष्टमी और महानवमी के दिन इस उपाय को अवश्य करें। उपाय करने के साथ साथ विशेष ध्यान रखें कि कुछ चीजें इन दिनों में वर्जित होती है, इन्हें अनजाने में भी किया जाए तो दोष उत्पन्न हो सकता है। चमड़े का पट्टा, जूते चप्पल पर्स आदि का प्रयोग इस समय व्यर्थ है। नवरात्रि के दौरान काम वासना, क्रोध, लोभ, क्लेश आदि से दूर रहें, नहीं तो व्रत उपाय का फल आपको प्राप्त नहीं होगा, उल्टा दोष लगेगा। नवरात्रि के दौरान पुरुष हो या महिला किसी को भी बाल नहीं करवाना चाहिए, नाखून, दाढ़ी, मूंछ भी नहीं बनानी चाहिए। नवरात्रि के दौरान तामसिक पदार्थ, मांस, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट इत्यादि का सेवन भूलकर भी ना करें। प्याज लहसुन का प्रयोग खाने में ना करें। दोस्तों, कन्याओं को मां दुर्गा का रूप माना जाता है, आप कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे कोई कन्या दुखी हो, नाराज हो। अगर अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है या फिर घट स्थापना की है तो 9 दिनों तक घर में कोई ना कोई सदस्य उपस्थित होना चाहिए। इन दिनों में दिन के समय भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान यह उपाय नहीं करना चाहिए, वे मानस पूजा कर सकती है। तो आइए दोस्तों, दीपक से जुड़े उपायों के अलावा हम अब आपको कुछ और विशेष और असरदार उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि इस नवरात्रि को अगर आप कर लेते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो वो पूरी हो जाएगी। मनपसंद वर के लिए उपाय। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान तृतीया, पंचमी, सप्तमी और नवमी के दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां भगवान शिव एवं मां पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और पंचोपचार यानी कि चंदन, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य से उनका पूजन करें। अब मौली से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से मंत्र का जाप 108 बार करें। मंत्र है गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वम शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में मां पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजा करनी है। शीघ्र विवाह के लिए उपाय। दोस्तों, नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें और उनकी पूजा अर्चना करने के पश्चात मंत्र का 3, 5 या 10 माला जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र ओम शन शंकराय,
सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसनाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पतिं में देहि कुरुकुरु स्वाहा दाम्पत्य सुख के लिए उपाय। यदि जीवन साथी से अनबन होती रहती है तो नवरात्रि में प्रतिदिन नीचे लिखी चौपाई को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुतियां दें। अब नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़े। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए कहें। चौपाई सब नर करहीं, परस्पर प्रीति चलहीं, स्वधर्म निरत श्रुति नीति। धन लाभ के लिए उपाय नवरात्रि के समय कम से कम 5 दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला लें। ये दीपक साधना काल तक जलते रहने चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल की एक ढेरी बनाएं, फिर उस पर एक श्रीयंत्र रखकर उसका कुमकुम फूल धूप तथा दीप से पूजन करें। उसके बाद एक प्लेट पर स्वस्तिक बनाकर उसे अपने सामने रखकर उसका पूजन करें। श्रीयंत्र को अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर लें और शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन सकते हैं। मनचाही दुल्हन के लिए उपाय दोस्तों, नवरात्रि के समय जो भी सोमवार आए उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां शिवलिंग पर दूध दही घी शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह से साफ करें, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब भगवान शिव की चंदन पुष्प एवं धूप दीप आदि से पूजा अर्चना करें। रात 10 बजे बाद अग्नि प्रज्वलित कर ओम नम शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति दें। अब 40 दिनों तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला जाप भगवान शिव के सम्मुख करें। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने के योग बनेंगे। इंटरव्यू में सफलता का उपाय दोस्तों, नवरात्रि में मंगल गुरु और शुक्र के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सफेद रंग का सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस पर बैठ जाएं। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला रख दें और इस पर केसर इत्र छिड़क कर इसका पूजन करें। इसके बाद धूप दीप और अगरबत्ती दिखाकर मंत्र का 31 बार उच्चारण करें। इस प्रकार 11 दिन तक करने से वह माला सिद्ध हो जाएगी। जब भी किसी इंटरव्यू में जाएं तो इस माला को पहन कर जाएं। ये उपाय करने से इंटरव्यू में सफलता की संभावना बढ़ सकती है। लाभ बढ़ाने का उपाय दोस्तों, नवरात्रि में सोमवार और शुक्रवार के दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े में अपने सामने मोती शंख को रखें और उस पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें। मंत्र श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मय नम मंत्र जाप के ये हैं। नियम मंत्र का जप स्फटिक माला से ही करें। मंत्रोच्चार के साथ एक एक चावल इस शंख में ढालें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। इस प्रयोग लगातार 9 दिनों तक करें। इस प्रकार रोज एक माला जाप करें। उन चावलों को एक सफेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 9 दिन के बाद चावल के साथ शंख को भी उस थैली में रखकर तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर की बरकत बढ़ सकती है।